सदर थाना शाहबाद के थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने पुलिस टीम के साथ शाहबाद के कई संवेदनशील स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने नशीला पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि उक्त दुकानदार अपनी दुकान पर नशीला पदार्थ बेचने का काम करता है, जिस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। और आज गुप्त सूचना मिलने के बाद जब पुलिस टीम ने उक्त दुकानदार के यहाँ रेड की तो नशीला पदार्थ चूरा पोस्ट बरामद किया गया। मामले में दो आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए और इस प्रकार की जो गतिविधि है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होंगे और उससे इस पर प्रहार किया जाएगा। तो यो जो को सामान बरामद कोई अफीम या चर्स ऐसा तो सामान नहीं था, गांजा है और इसको हम अभी क्वांटिटी देखते हैं कितनी क्वांटिटी है और उसके अकॉर्डिंग प्रक्रिया पता करें। हिरासत में भी कुछ लोग लिए गए हैं, दो बंदे हिरासत में लिए हैं, अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से लेकर आते हैं। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। मामले में पुलिस ने नशे की खेप के साथ दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। देखना होगा कि पूछताछ के दौरान आरोपी क्या कुछ खुलासे करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।